हेलो, मैं श्रीजय मल आज आपके लिए एक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रखा हूँ। आज का मेरा टॉपिक होगा फैम पे। तो फैम पे है क्या, आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फैम पे को स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा था, हमारे पास दो टाइप के कार्ड होते हैं ऑनलाइन पेमेंट या फिर ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए, वो होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपके नंबर लिखा होता है, तो डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका सीवीवी लिखा होता है, आपका एक्सपायरेशन डेट लिखा होता है, जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई बच्चे को वगैरह देते हैं तो मे बी देर आर स्लाइट चांसेस कि ये चीज आपका लीक वगैरह हो सकता है, और सिक्योरिटी वाइज ये थोड़ा सा मतलब डेंजरस है। तो फैम पे एक ऐसा सोल्यूशन है, एक कार्ड है जिसमें कि आपका नंबर ही नहीं है, ना इसमें कार्ड नंबर है, ना इसमें एक्सपायरेशन नंबर है, ना ये इसमें सीवीवी नंबर है। ये एक ऐसा कार्ड है जैसे कि आप सोच सकते हैं पेटीएम बैंक। पेटीएम बैंक थोड़ा सा अलग है, बट इसमें क्या है, आपका एक वर्चुअल कार्ड भी है प्लस आपका एक फैमपे कार्ड भी है। इसमें एक और एक इंटरेस्टिंग और चीज है, इसमें है फ्लैश पिन। जैसे कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, कितने बार होता है कि जब एक शॉपकीपर का जो कार्ड वाला एक्सेप्टर होता है उसमें आप जब पिन डालते हैं आप थोड़ा सा छुपा छुपा के डालते हैं ताकि वो पिन ना देख ले। तो इसमें एक ऐसा फीचर है जो ऐप से आप यूज करके कोई भी एक फ्लैश पिन कर सकते हैं, कोई भी एक पिन जनरेट कर सकते हैं, उसी टाइम आप शॉपकीपर को दिखा सकते हैं, वो शॉपकीपर वो पिन अपने आप डाल देगा और वो पिन सिर्फ एक बार ही यूज होगा। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और ये बच्चों को जो कि मतलब 18 साल से नीचे वाले को है, उनको देख के ही ये फैम पे कार्ड बनाया गया है। ये फैम पे कार्ड यूज करता है टेक्नोलॉजी यूपीआई का, यूपीआई जो कि है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे कि आप फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, बहुत सारे हैं, तो वो भी सब इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। प्लस इसमें जो गेटवे यूज हो रखा है लाइक जैसे मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड वगैरह, तो इसमें जो यूज हो रखा है ये रुपे कार्ड हो रखा है। रुपे कार्ड जो होता है इंडिया का कार्ड वो वाला है गेटवे। इसके रुपे कार्ड का एक एडवांटेज होता है, जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो रुपे कार्ड में सबसे कम जो टैक्स या फिर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, सर्विस चार्जेस लगते हैं, वो सबसे कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कार्ड्स, क्योंकि इंडिजिनियस है, इंडिया का बनाया हुआ है, तो इंडिया यही ज्यादा प्रमोट कर रहा है आजकल। ये जो फैम पे कार्ड है इसको एफिलिएशन और बैक कौन दे रहा है, इसको बैक दे रहा IDFC बैंक। तो इट्स 100% जेन्युइन। अगर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उसमें रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, इससे फायदा क्या, बैंक को इतने सारे कार्ड वगैरह बनाते हैं तो इसका फायदा क्या मिलेगा। तो इसका फायदा ये है, अगर आप सोचिए आप कुछ शॉपिंग जा रखे आपके पास एक्सिस बैंक का कार्ड है, आपने 100 रुपए की शॉपिंग की और आपको एक ऑफलाइन तरीके से आपको पेमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे अपने शॉपकीपर को अपना कार्ड दे देंगे। शॉपकीपर के पास बट ICICI उसकी मशीन है, तो डिफरेंट बैंक है, तो इसमें ट्रांजेक्शन फीस तो लगेगी, तो एक्सिस बैंक वाला क्या करेगा, उसको जो पैसे हो गए 98.5 रुपीज वगैरह फॉर एग्जाम्पल वो दे देगा, तो 2 रुपए वो अपने कमीशन के चार्जेस वगैरह खा लेगा, और 0.5 जो है जो ICICI वाले बैंक हो उसको कमीशन होगा। बट इसके बीच में एक गेटवे का भी को होता है सर्विस चार्जेस, जो रुपए मास्टर वगैरह में होते हैं वो भी खाएंगे। तो ये पैसे आते हैं एक्सिस बैंक वाले देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 पैसे 3 पैसे ऐसे करके ये लोग थोड़े से पैसे वहां पे भी देते हैं एज अ सर्विस चार्ज। तो इस तरीके से कंप्लीट साइकिल बनता है और ऐसे करके सबको मतलब कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाता है और सबको प्रॉफिटेबल होता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको 100 रुपए की एग्जांपल बता रहा है, ऐसे ही जब आप लाखों या फिर बहुत ज्यादा जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें ये अमाउंट बढ़ता रहता है। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।